हाय गाइस, वेलकम टू ऑर्डर रिव्यूज। आप सब लोगों को आज एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे एक और एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज आप लोग देख सकते हो कि आज हमारे साथ है 2023 बजाज पल्सर NS160 से E20 OBD2 मॉडल, एंड आज हम लोग इस मोटरसाइकिल का एक फुल रिव्यू आपको देने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना समय बर्बाद किए। मेरा नाम अनुरंग शालदर, आप देख रहे ऑटो रिव्यूज का यूट्यूब चैनल। और अगर आप लोग इस चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद रोस्टिंग अ सिंगल मिनट। सो गाइज, हियर इज द मोटरसाइकिल। दिस इज द 2023 बजाज पल्सर NS160। सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द डिजाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो डिजाइन की बात सबसे पहले अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको डिजाइन जो है सेम ही मिलता है। 2023 में इसको एक अपडेट मिला है, कुछ माइनर अपडेट्स हुआ है इस मोटरसाइकिल पे। एंड उसके साथ अगर आप लोग सबसे पहले फ्रंट एलिमेंट्स की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हैलोजन हेडलैम्प्स का एक पूरा सेटअप आपको इस मोटरसाइकिल के फ्रंट पे देखने को मिल जाएगा। हेडलैम्प्स के थ्रो की बात करेंगे तो थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड जब आप लोग इस हेडलैम्प को रात में चलाएंगे तो ये हेडलैम्प्स आपको एक बेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करेगा रास्तों पर फॉर श्योर। उसके साथ जैसे ही आप लोग थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक कलर का विंडशील्ड देखने को मिलेगा। अब जैसे ही आप लोग हेडलैम्प्स के थोड़ा सा साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इस मोटरसाइकिल का इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हैलोजन फिनिश इंडिकेटर्स देखने को मिलता है, जी आप लोग देख सकते हो। और उसके साथ अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फ्रंट फेंडर देखने को मिलेगा। फेंडर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कार्बन फाइबर जैसा डिजाइन देखने को मिलता है, बट दिस नॉट द रियल कार्बन फाइबर। एंड उसके साथ अगर आप लोग बात करेंगे के फ्रंट सस्पेंशन के बारे में तो अपसाइड डाउन फोक का सस्पेंशन इसमें दिया गया, जो अपडेट के बाद इस मोटरसाइकिल में यूएसडी फोक का सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रंट टायर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको MRF का टायर देखने को मिलेगा, जिसके अगर आप लोग ग्रिप वगैरह की बात करेंगे तो MRF का टायर काफ़ी अच्छा सा ग्रिप रास्ते पर बनाता है। एंड उसके साथ टायर साइज की बात करेंगे तो 100x80 17 इंच का ट्यूबलेस टायर विथ अलॉय व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। आप जैसे ही आप लोग यहाँ पे डिस्क ब्रेक की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 300mm का डिस्क मिलता है विथ ड्यूअल चैनल ABS। तो सेफ्टी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इस मोटरसाइकिल पर। आपको यहाँ पे बड़ा सा डिस्क मिलता है विद ड्यूअल चैनल एबीएस, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे इस मोटरसाइकिल के मिरर्स की तरफ देखेंगे तो मिरर्स आपको यहाँ पे बेसिक मिरर्स ही मिलता है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन जो है यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइलिश सा डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑब्वियसली। एंड जैसे ही आप लोग यहाँ पे साइड प्रोफाइल की तरफ जाते हो तो इस मोटरसाइकिल के साइड से आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी सा एक लुक है साइड से। और सबसे पहले बात करेंगे इसके कलर ऑप्शन के बारे में, तो इस मोटरसाइकिल में जो कलर ऑप्शन आता है आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। एंड उसके साथ अगर आप लोग बात करेंगे इसके डायमेंशंस के बारे में तो डायमेंशंस भी आप लोग देख सकते हो मेरे स्क्रीन के ऊपर। आप साइड प्रोफाइल के एलिमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले फ्यूल टैंक के ऊपर देखते हो तो फ्यूल टैंक के ऊपर पल्सर का एक 3D emblem आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपडेट हुआ है वो है E20। यहाँ पे आपको E20 OBD2 का मतलब E20 का स्टिकर देखने को मिलता है। E20 क्या है आप सभी लोग जानते हो कि 20% ऑफ पेट्रोल, 20% ऑफ इथेनॉल, 80% ऑफ पेट्रोल, ऐसा ही मिक्सड अप फ्यूल बहुत जल्द हमारे इंडिया में लॉन्च होगा। एंड जैसे ही वो पेट्रोल लॉन्च होता है तो ये मोटरसाइकिल उस पेट्रोल पे चलने के लिए बिल्कुल कंपैटिबल है। अब जैसे ही आप लोग इसके फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 12 लीटर्स का एक फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग ओवरऑल फ्यूल टैंक की बात करेंगे तो फ्यूल टैंक जो है काफ़ी ज़्यादा बल्कि सा फ्यूल टैंक इसमें दिया गया, एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको FI की बैजिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑयल कूल्ड का बैजिंग, एंड यहाँ पे आपको 160 का बैजिंग देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही आप लोग इसके सीट्स की तरफ देखेंगे तो सीट्स आपको ब्लैक कलर का सीट मिलता है, स्प्लिट सीट दिया गया इस मोटरसाइकिल पे। सबसे पहले सीटिंग कंफर्ट की बात करेंगे तो सीटिंग कंफर्ट यहाँ पे काफी अच्छा सा सीटिंग कंफर्ट देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हो कि इसका जो कुशनिंग है, कुशनिंग काफी ज्यादा अच्छा, एंड यहाँ पे राइडर या पिलियन दोनों ही बहुत ही कंफर्टेबली यहाँ पे जा सकते हो। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द सीट हाइट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, तो इस मोटरसाइकिल में आपको 805mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। दूसरा एस्पेक्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलता है, थोड़ा सा पीछे आपको NS160 की बैजिंग देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद जैसे आप लोग और थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन काउल मिलता है। इंजन काउल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लास्टिक इंजन काउल, प्लास्टिक डिजाइन में इसका इंजन काउल देखने को मिल जाएगा। एंड उसके बाद अगर आप लोग इसके इंजन की तरफ देखेंगे तो इस मोटरसाइकिल में आपको 160.3 cc का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड
DTSI BS6 फेस 2 का इंजन देखने को मिलता है, जिसके अगर आप लोग पावर फिगर्स की बात करेंगे तो 17.1 PS का पावर यहाँ पे देखने को मिलेगा और 14.6 न्यूटन मीटर टॉर्क विथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको किक स्टार्ट मिलता है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। मतलब कि आजकल के हर एक मोटरसाइकिल में अभी किक स्टार्ट आना बंद हो चुका है, बंद हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको किक स्टार्ट कंटिन्यू का है, जो एक काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको गार्ड वगैरह ये सब कुछ, क्रैश गार्ड वगैरह ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे फुटरेस्ट की तरफ देखते हो तो जो राइडर फुटरेस्ट है वो आपको कंप्लीट रबर डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आगे आपको रियर ब्रेक देखने को मिलता है एंड जो पिलियन फुटरेस्ट है यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फिनिश का, यहाँ पे आपको प्लास्टिक फिनिश का जो पिलियन फुटरेस्ट है वो आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सा पीछे अब जैसे ही आप लोग इस मोटरसाइकिल के रियर प्रोफाइल की तरफ देखेंगे तो रियर से भी इस मोटरसाइकिल को एक काफ़ी ज़्यादा कूल एंड एक अट्रैक्टिव सा लुक यहाँ पे देखने को मिलता है। अब रियर प्रोफाइल के अगर आप लोग एलिमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको टेल लैम्प्स की सबसे पहले बात करेंगे तो LED टेल लैम्प्स इसमें मोटरसाइकिल में ऑफर किया गया। यहाँ पे टेल लैम्प्स का डिज़ाइन पल्सर का हमेशा से ही ऐसा एक डिज़ाइन था और जो मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। ग्रैब हैंडल की क्वालिटी की बात करेंगे तो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया गया है। थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स माउंटेड देखने को मिलेगा। इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो ये आपको हैलोजन इंडिकेटर्स ही दिया गया है। थोड़ा सा और पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको तीनों रिफ्लेक्टर मिलता है, दो साइड पे और एक नीचे, आपको तीनों रिफ्लेक्टर यहाँ पे दिया गया। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर टायर ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो इस मोटरसाइकिल के रियर पे भी आपको MRF का टायर देखने को मिलता है। टायर साइज की बात करेंगे तो 130/70/17 इंच का ट्यूबलेस टायर विद अलॉय व्हील यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और रियर ब्रेकिंग की बात करते हो तो रियर पे इसको 230mm का डिस्क मिलता है। और साथ में व्हेन यू टॉक अबाउट द रियर सस्पेंशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल, सो इस मोटरसाइकिल के रियर पे आपको मोनोशॉक का सस्पेंशन दिया गया है। मोनोशॉक का सस्पेंशन आप सभी लोग जानते हो कि मोनोशॉक का सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा एक सस्पेंशन, ये मोनोशॉक का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा सा सस्पेंशन है। और थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो साड़ी कट वगैरह ये सब कुछ देखने को मिलता है। चेन्स पॉकेट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ओपन चेन्स पॉकेट मिलेगा एंड या इसको बेसिकली आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा बिकॉज इस ओपन चेन्स पॉकेट पे आपको धूल मिट्टी के लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एंड आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेन आपको करके रखना पड़ेगा। यहाँ पे दो और फुटरेस्ट जैसा कि देख सकते हो रबर डिज़ाइन और प्लास्टिक डिज़ाइन फाइबर डिज़ाइन में मिलता है और इसके साथ ये इसका साइड स्टैंड। इस मोटरसाइकिल में आपको साइड स्टैंड कटऑफ का सेंसर देखने को मिलता है एज यूजुअल जो अभी हर एक मोटरसाइकिल में आ रहा है। और उसके साथ अभी बात करेंगे इसके हैंडल्स के बारे में। सबसे पहले हैंडल्स की तरफ देखेंगे तो इस मोटरसाइकिल में आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलता है जैसा आपको पहले भी देखने को मिलता था। स्विच गियर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे स्विच गियर्स की क्वालिटी की बात है, ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है। और उसके ये इसका लो बीम हाई बीम है, इसका पास लाइट, यहाँ पे इसको इंडिकेटर्स का बटन दिया गया है और यहाँ पे आपको हॉर्न का स्विच देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा अगर आप लोग राइट साइड की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको किल स्विच मिलता है और यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट का एक बटन देखने को मिल जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट टूल्स, लेकिन उससे पहले हम लोग चाबी दिखा देते हैं। चाबी की बात करेंगे तो आपको दोनों की कुछ ऐसा देखने को, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइन में इसका की दिया गया। और उसके साथ जैसे ही आप लोग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको एनालॉग डिजिटल कॉम्बिनेशन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जैसा आपको पल्सर NS160 में पहले भी देखने को मिलता था। यहाँ पे आपको टैकोमीटर दिया गया, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर जो नया आया है, यहाँ पे आपको डिजिटल टाइम दिखाएगा, यहाँ पे आपको ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, दो ट्रिप मीटर, एक ओडोमीटर स्टैंडर्ड फीचर दिखाता है। और उसके साथ यहाँ पे आपको रेंज का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, तो इससे बेसिकली आप लोग चेंज कर सकते हो। तो ये आपका ट्रिप 1, ट्रिप 2, यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू MT और उसके साथ यहाँ पे आपको ओडोमीटर दिया गया। यहाँ पे आपको डिजिटल फ्यूल गॉज देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेशन वगैरह मिलता है, जैसे कि न्यूट्रल का इंडिकेशन, बजाज का इंडिकेशन, यहाँ पे आपको बैटरी का इंडिकेशन एंड इंडिकेटर का इंडिकेशन, हाई बीम का इंडिकेशन, ये सब कुछ का इंडिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब जैसे ही आप लोग इसके एग्जॉस्ट की तरफ जाते हो तो ये इस मोटरसाइकिल में आपको अंडरबॉडी एग्जॉस्ट देखने को मिलता है जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड एग्जॉस्ट साउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड आपको सुना देता हूँ। तो मैं आपको हर बार की तरह एक ही बात बोलना चाहूँगा कि यूज योर हेडफोन्स फॉर बेटर एक्सपीरियंस। रेडी 3, 2, 1। यही थे इसका एग्जॉस्ट साउंड। मुझे इसका एग्जॉस्ट साउंड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आपको ये एग्जॉस्ट साउंड कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड उसके साथ आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए बिकॉज आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ इन व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको ये मोटरसाइकिल कैसा लगा। और अगर आपको इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड कुछ भी सवाल आपके मन में आ रहा हो तो वो भी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल
फर्स्ट टाइम आ रहे हो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा दो हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ। मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो के साथ। आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।